हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस हे वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर मेन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी का हम स्टूडेंट समझेंगे पेपर इंग्लिश इंग्लिश पेपर समझते हैं स्टूडेंट और इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज इसमें जो सब्जेक्ट इस टाइम चल रहा है दैट इज़ अवर जोग्राफी एंड एनवायरमेंट तो आप स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बात करूं अगर मैं नोटिफिकेशन की तो स्टूडेंट प्लीज़ बिलीव मी ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको गुमराह करने की ट्राई कर रही हूं या कुछ ऐसा कुछ मेरे को कुछ भी नहीं है बट मैं चाहती हूं कि कोई भी स्टूडेंट यू नो फेल ना हो ठीक है इस साल आपकी नोटिफिकेशन आउट हो गई जाएगी अगस्त के अंदर ठीक है अगस्त सेप्टेम्बर के अंदर फॉर योर पंजाब सिविल सर्विस तो आप अपनी प्रपरेशन ज़रूर कंटिन्यू रखिए और अगर अब तक तक स्टार्ट नहीं किया तो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर लीजिए ठीक है ठीक है जी बात करें अगर हम यहाँ पे इंग्लिश पेपर की तो सी हर स्टूडेंट जो हमने डिस्कस कर लिया अब तक वो डिस्कस कर लिया स्टूडेंट जर्नल स्टडीज़ के फोर जो हमारे पेपर्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लिए कल हमने पंजाबी का पेपर भी डिस्कस कर लिया और अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर ठीक है कि अगर इंग्लिश का पेपर है जो हमारी कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है उसको हमें कैसे अटैम्प्ट करने सीयर हंड्रेड मार्क्स का आपा, आपका आता है पंजाबी का पेपर और हंड्रेड का ही आता है आपका इंग्लिश का और जो जीएस के पेपर हैं वो हमारे टू फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के आते हैं और एक आता है आपका ऐसे ठीक है तो अभी हमारा इंग्लिश वाला रह गया स्टूडेंट कि इंग्लिश को कैसे डिस्कस करना है ठीक है इंग्लिश को किस तरीके से यू नो अवेल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई इंग्लिश के पेपर को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो एक बार के लिए स्टूडेंट हम इंग्लिश का पेपर समझ लेते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट अटेम्प्टअर इंग्लिश पेपर ठीक है तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर तो ये रही हमारी पी स्टूडेंट इंग्लिश पेपर के लिए तो समझते हैं स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर तो so, सबसे पहले आप देखिए कि इंग्लिश का हंड्रेड मार्क्स का पेपर है स्टूडेंट सारे क्वेश्चन ही कंपल्सरी हैं लिखा हुआ है उसने साफ साफ क्लियर कट कि सारे क्वेश्चन ही आपके क्या हैं कंपल्सरी हैं ठीक है, है. तो समझते हैं स्टूडेंट थोड़ा हो सकता है ब्राइटनेस आपको ज्यादा नजर आ रही हो बट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस सीयर मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाली यहाँ पे इंग्लिश का कि इसको ऐसे अटेम्प्ट कीजिए मेन पर्पज़ है आपको ये समझना कि भाई पेपर आ रहा है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं इंग्लिश को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट कैसे रेडी करना है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये बात क्लियर कट रखो कि सी सेट के अंदर स्टूडेंट आपका एक इंग्लिश का कॉम्प्रीहसिव होता है पेपर सी सेट के अंदर इंग्लिश एप्टीट्यूड प्लस आपका रीजनिंग तो कुछ इंग्लिश तो आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाती है फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जैसे वर्ड सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस मेकिंग ठीक है ये सब चीज़ें कैसे इंप्रूव करें तो इसके लिए स्टूडेंट दो सोर्सेज हैं दो सोर्सेज हैं पहला है न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर स्टूडेंट सिर्फ जर्नल स्टडी तैयार करने के लिए नहीं है कि वही सिर्फ जर्नल स्टडी तैयार करते हो आप बहुत बेनिफिट करता है स्टूडेंट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में हेल्प करता है इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करता है वोकेब्लरी हेल्प करता है वो आपकी सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करता है वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करता है मेंस में हेल्प करता है प्रीलिम्स में हेल्प करता है तो बहुत सारे बच्चे ना ये जो मैगजीन्स के चक्कर में न्यूज़पेपर छोड़ते हैं ना स्टूडेंट प्लीज़ एक बात समझ लीजिए आप न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो आपको दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन देता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें से इतना कुछ निकाल सकते हैं जितना कोई एक कोई भी मैगजीन नहीं निकाल सकती ठीक है मैगजीन्स के अंदर आपका टू द पॉइंट बहुत कुछ कवर किया हुआ मैं मैगजीन्स की यहाँ पे कभी भी बुराई नहीं कर रही हूँ कि आप मैगजीन्स को मत पढ़ो पढ़ो डेफिनेटली मैगजीन को पढ़ो बट स्टूडेंट प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग न्यूज़पेपर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते जितने उसके एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी नहीं कर सकते ठीक है उनको आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते ये बात आप अपने क्लियर कट अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो आप ठीक है तो अब समझते हैं स्टूडेंट हम यहां पे हमारा पेपर सीयर स्टूडेंट सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है हमारा क्या एक कॉम्प्रीहेंसिव पैरा है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वही है सेम है स्टूडेंट आपको देख के उसको आंसर करना है अभी यहां पे पैरा तो हम पढ़ने से रहे स्टूडेंट बट आपको क्वेश्चन करना है फिर क्या था? ये देखो यहां पे क्वेश्चन दिए आप सब क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छा पैरा पढ़ने का बहुत सारे बच्चे मेरे से तरीका पूछने लग जाते सी यर स्टूडेंट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट मतलब मैं मैं आई डोंट नो आपको कोई ट्रिक बताता होगा आपको ये बोलता होगा कि आप ऐसे निकाल लो फलाना निकालो कुछ हैं ट्रिक्स आई नो इंग्लिश के टीचर्स आपको कुछ बता देते हैं वेल एंड गुड बट प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करोगे पैराग्राफ्स को तो देन यू कांट सॉल्व इट ठीक है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको रोने से कुछ नहीं होगा हाई नोटिफिकेशन नहीं आई हाय मैम आप कब से लगे हुए नोटिफिकेशन तैयारी होगी आपकी तैयारी होगी आपकी तैयारी बताओ मेरे को तैयारी होगी तो बात करो मेरे से अदरवाइज ऐसे कमेंट करना ये करना वो करना कोई फायदा नहीं है इसका तैयारी बताओ हुई कि नहीं हुई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का काम है पीसीएस ऑफिसर उनको चाहिए डेफिनेटली चाहिए और वो उनको चाहिए ही चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा विदाउट पीसीएस ऑफिसर्स तो नोटिफिकेशन तो आनी ही आनी इसमें तो कोई दोराई है नहीं मेक ए प्रेसिव ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव एन अप्रिप्रिएट टाइटल अब आपके सामने दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है इसका एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म लिखना है और कुछ नहीं है ठीक है फिर थर्ड नंबर पर यह लेटर लिखने को कहता है आपको लेटर तो पता ही होगा ना कैसे लिख कहता लेटर लिखना राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज पेपर अबाउट स्ट्रीट बैगिंग एंड सुजेस्ट वे टू टैकल इट स्ट्रीट बैगिंग जो गलियों के अंदर भिखारी होते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है वो पुराने टाइम के साधु संतों की बातें मत कीजिए आपने बहुत बार न्यूज़ पेपर में सुना होगा कि बैगिंग कोई बैगर है उसके पास इतना पैसा मिला वो, उसके वो मतलब यू नो शहर का सबसे अमीर आदमी था ये वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी एंड दिस इज द फैक्ट नो डाउट अबाउट दैट कि ये दिस इज़ अ वेरी वेरी यू नो एक बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है ठीक है आपको हम्बल होना चाहिए दूसरों को लेकर बट बैगिंग जो है ठीक है कोई पर्सन बैगर इसलिए इसलिए बन रहा है स्टूडेंट क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है उसकी परवरिश इस तरीके से हुई है वो पॉवर्टी में ही रहा हमेशा से ठीक है उसको आगे चल के अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो इसमें नो डाउट अबाउट दैट कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हाथ है लेकिन कई बार क्या होता है इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं कई बार क्या कहते हैं बैगिंग के उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं लोग जैसे कि लूटपाट मचाना है ना दिन दिहाड़े कहीं पे चोरी हो गई तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं नेक्स्ट है Next वो बच्चे उठा के ले जाते हैं किडनैपिंग हो जाती है हरासमेंट करते हैं तो वो सब चीज़ें फिर एक और दिया हुआ कहता दोनों में से कोई एक लिख सकते कहता यू आर द स्टूडेंट यूनियन इन चार्ज ऑफ यूर कॉलेज राइट ए लेटर टू द डीन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द डिट्यूरेशन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर एंड कॉम्पिटेटिविनेस सोजेस्ट वे टू क्रिएट ए हेल्थियर इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट तो आप यूनियन के इंचार्ज हो कॉलेज के तो बताइए भाई फिर आप क्या क्या सुजेशन दोगे क्या दोगे सुजेशन वैसे कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है प्रेशर में है तो क्या सुजेशन दोगे कि थोड़ा गेमिंग को प्रमोट करना चाहिए है ना और जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप गे, बढ़ा देना चाहिए और क्या हो सकता है आपके तरफ से सुजेशन ठीक है मेंटल हेल्थ के लिए योगा मेडिटेशन आप कंपलसरी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए सुबह एक घंटा है ना एक्सरसाइज कंपलसरी कर सकते हैं उनके लिए ठीक है और अच्छा फिर कहता है ऐसे लिखना है आपको स्टूडेंट एट एनी वन टॉप एक किसी के ऊपर 300 का ऐसे लिखना है पहला वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग पेंडेमिक प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखने हैं क्या क्या हो सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स प्रोज बेनिफिट भी बहुत है कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा आपका ऑनलाइन जब आप काम करते हो तो आपकी एफिशेंसी भी बढ़ती है आप घर पर हो है ना तो आपका टाइम बचता है जो आप इतने सारे व्हीकल्स सुबह सुबह निकलते हो तो कितना पॉल्यूशन होता है वो भी बचता है और आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और और क्या बेनिफिट्स हैं जैसे खास करके विमेन है उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है लैक्टेटिंग मदर्स हैं प्रेग्नेंट वेमन हैं उनको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं कॉज क्या होंगे कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले जो आप एक, एक आपको वर्क कल्चर के टाइम और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं है ना आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी हैबिट्स आपका बिहेवियर आपका यू नो ओवरऑल जो आपका एक मेंटल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता घर पे रह के है ना और क्या होता है ठीक है ड्यू टू आप पूरा दिन एक कंप्यूटर के आगे बैठे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कैसे आइज़ पे बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस पड़ता है ठीक है डिवाइसेस जो आपके ई कम वेस्ट है वो बढ़ जाएगा हर पर्सन को कंप्यूटर लेना पड़ेगा अपने घर के अंदर हर पर्सन को डिजिटल कैमरा हर चीज़ लेनी पड़ेगी स्टूडियो एक हो सकता है आपको एक रूम को पूरा स्टूडियो रूम बनाना पड़ जाए है ना स्पेस भी तो वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना घर का ठीक है तो ये सब कॉन्स भी हैं ठीक है ये सोर नो नेक्स्ट है यूनिटी इज स्ट्रेंथ बट यूनिफॉर्मेटी वुड बी कुड बी डिजास्टर्स नेक्स्ट है जुडिशियल डिलेज किल द स्परिट ऑफ जस्टिस आपको पता है आप बहुत बार देखते हो गए पढ़ते भी हो गए इवन कि यार कोई पर्सन था उसकी डेथ हो गई लेकिन उसका केस अभी भी चल रहा है कोर्ट के अंदर है ना किसी किसी केस को 20 साल लगे 30 साल लगे उसको जस्टिस आने में सोचो किसी का आज मर्डर हुआ है ना और क्रिमिनल को यू नो सज़ा मिल रही है छः साल बाद वो बेल पे बाहर घूम रहे हैं तो आप सोचो कितना ज़्यादा क्या होगा ए, कितना उसके लिए मेंटल टॉर्च होगा उस पर्सन के लिए उसकी फैमिली के लिए कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर होगा जब उन्हीं का मर्डर जो है उन्हीं की यू नो उनके ब्रदर सिस्टर या किसी का भी मर्डर जो है वो बाहर खुले हम घूम रहे हैं है ना बेल पे वो है तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको समझना चाहिए इसी तरीके से आपको लिखना है नेक्स्ट है ट्रांसलेट करना है किसमें पंजाबी दी हो या नीचे उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है जैसे मेरे एक मित्र न सारी दुनिया घूमण दपत है ठीक है मीडिया की आज़ादी तो बिना लोकतंत्र संभव नहीं है विदाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी है ना तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लिख सकते हैं ठीक स्टे जे मैं लेट गया था चिंता ना करे हो ठीक है डोंट वरी इफ आई एम गेटिंग लेट ठीक है ठीक है गेट वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोविंग एक एक वर्ड आपको सब्सटीट्यूट निकालना है इसका इ टॉक पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर ठीक है यूज द फॉलोविंग वर्ड एज ए नाउन आपको नाउन की तरह आपको ग्रामर बहुत अच्छी आनी चाहिए किसकी इंग्लिश की इफ यू वॉन्ट कि जी इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए नेक्स्ट सिनोनिमस एंड पे पेपर है क्वेश्चन है यूज द फॉलोविंग यूज करने हैं रीड राइट द फॉलोविंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग चेंजिंग द नरेशन नरेशन ही चेंज कर देनी है आपको नरेशन सेंटेंस मेकिंग वर्ड मेकिंग ग्रामर नाउन प्रोनाउन ये सब सिनोनॉमस एंटी सिनोनमस सब पता होना चाहिए आपको चेंज द वॉइस वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये आपको पता होना चाहिए डू एज डायरेक्टेड ठीक है री राइट द फॉलोइंग पैरा यूजिंग अ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क ठीक है पता है ना आपको ठीक है फिर आफ्टर नेसेसरी करेक्शंस करेक्शंस करनी है इसके अंदर फोर्टीथ क्वेश्चन के अंदर तो पेपर बहुत ही ईजी है सिंपल है स्टूडेंट दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहला पहली कौन सी चीज़ आनी चाहिए आपको पहला आना चाहिए स्टूडेंट आपका पहली जो चीज कंपलसरी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है इंग्लिश को लेकर पहला आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए पहली क्या चीज़ है ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी फॉर योर इंग्लिश पर्पज इंग्लिश पेपर सेकेंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए कॉम्प्रीहेंसिव पैरास को सॉल्व करने के लिए तो दो चीज़ें इंग्लिश के लिए स्टूडेंट ठीक है इवन हमारा बैच भी है स्टूडेंट पी की मेंस इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी पी पे ठीक है आपको अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट तो इसी के साथ स्टूडेंट हम ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रहे हैं एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ठीक है जी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में थैंक यू हैव अ नाइस डे